15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जाजपुर मुस्लिम समाज द्वारा अंजुमन कमेटी ने तकिया मस्जिद चौराहे स्थित अंजुमन ऑफिस की छत पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के बुजुर्ग और नौजवान मौजूद रहे। तकिया मस्जिद के इमाम ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के फौरन बाद राष्ट्रगान बोला गया। तकिया मस्जिद के इमाम ने बताया कि मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि तुम जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, जान से भी ज्यादा उसी की खाओ उसी की गाओ। जब हमारे नबी ने फरमा दिया तो कोई मुसलमान देश का विरोधी कैसे हो सकता है। लेकिन आज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आज मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, हमारे मजहब को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जबकि लाखों मुसलमानों ने इसे आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, लेकिन फिर भी हमारी कुर्बानियाँ भुला दी जा रही है। लेकिन फिर लाख सताने के बावजूद हमारे नबी के फरमान पर हमेशा कायम रहेंगे और हमारी अपनी जान से भी ज़्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत करेंगे और वक्त आने पर हमारी जान का नजराना इस वतन के लिए पेश कर देंगे। सा समाज प्रदेश उपाध्यक्ष रियासत शाह ने बताया कि हम इस वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे हमें कोई देशभक्त कहे या ना कहे, फिर भी हम मरते दम तक हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे और रोजे कयामत इसी मिट्टी से वापस उठाए जाएंगे। इस दौरान अंजुमन कमेटी कार्यवाहक सदर शरीफ अंसारी, खजांचे सरफुद्दीन देशवाली, सदर रशीद ने तकिया मस्जिद इमाम साहब, मौलाना यूसुफ, हाजी अलाउद्दीन, हाजी कादर चौहान, हाजी पीरू पटेल, हाजी यासीन मुल्तानी, नजीर अगवान इस्लाम शाह, हाजी मंसूर तंवर, साजिद पड़िया, शरीफ पुवार, हकीम चौहान, रियासत शाह, मुबारक शाह, प्रदेश सचिव सोनू मलिक, शाहरुख शाह आदि मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे।